प्लीज सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिजाइन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं और ये जब बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा उभर कर आएगा इस तरह से। तो ये बहुत आसान सा डिज़ाइन है, मात्र 4 सिलाई का डिज़ाइन है। 2 सिलाई में फंदे बढ़ेंगे और 1 सिलाई में घट जाएगा, और जो रॉन्ग साइड की 1 सिलाई आएगी, 4th सिलाई, वो सिंपल बुन लेनी है। तो आइए सीखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ये डिज़ाइन राइट साइड से शुरू होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 15 फंदे डाल लिए हैं और इसमें मैं आपको डिज़ाइन बनाकर बताऊंगी कि ये डिज़ाइन किस तरह से बना लेंगे। देखिए, पहला फंदा जो है वो हम स्लिप करेंगे। ये हमारी राइट साइड की सिलाई है, इस तरह से स्लिप कर लेंगे। देखिए, ये वाला जो फंदा है इसे हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब धागा अपनी साइड को लाएंगे और एक फंदा अपनी साइड को सिलाई करते हुए स्लिप कर लेंगे। अब जिस तरह से हम सीधा फंदा बनाते हैं उस तरह से सिलाई को डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब इन दो फंदों को हमें फिर से रिपीट करते जाना है। देखिए, धागा अपनी साइड लाएंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे और ये वाला जो फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी साइड लाते हुए एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी साइड लाते हुए ये धागा इसी साइड में रहेगा, एक फंदा स्लिप करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा अपनी साइड लाते हुए एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बना देंगे। धागा अपनी साइड, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे। इस तरह से करते हुए हमें पहली सिलाई को बुन लेना है। अब लास्ट का जो फंदा है उसे हम नॉर्मल इस तरह से बुन लेंगे। अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में। तो ये देखिएगा, पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप कर लीजिएगा या बुन लीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। अब देखिएगा, ये जो फंदा हमने बुना था उस साइड में हमने सीधा बुना था, तो इस साइड में हमें उल्टा बुन लेना है। तो इन दोनों फंदों को हमें एक साथ लेना है इस तरह से और इन्हें स्लिप कर लेना है बिना बुने। अब फिर से हम एक बार इसमें धागा इस तरह से लपेट देंगे और जो सीधा फंदा बुना था उस फंदे को हमें इस साइड से उल्टा बुन लेना है। अब फिर से इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। इन दोनों फंदों को देखिएगा, ये जो लपेटा हुआ फंदा है और ये वाला, इन दोनों फंदों को हम स्लिप करेंगे। फिर से एक बार धागा सिलाई में घुमा लेंगे, लपेट लेंगे, एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे। एक फंदा जो जाली वाला था और एक फंदा जो हमने बिना बुने उतार लिया था, इन दोनों फंदों को स्लिप करेंगे और इस तरह से धागा लपेट लेंगे, स्लिप कर लेंगे, फिर एक फंदे को हम बुन लेंगे। इन दोनों फंदों को देखिएगा इस तरह से बिना बुने स्लिप कर लेना है। इन्हें आप इस तरह से स्लिप करने के बाद इस तरह से धागा लपेट सकते हैं और इस फंदे को बुन लीजिएगा, या फिर आप इसे इस तरह से, जिस तरह से बुनते हैं और स्लिप करने के लिए हम इस तरह से लेंगे, तो इसी में इस तरह से लपेट कर बिना बुने इस सिलाई में स्लिप कर लीजिएगा। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अब ये लास्ट के जो दो फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से बुन लेंगे। अब आते हैं तीसरी सिलाई। इन दोनों सिलाई में हमारे फंदे बड़े हैं, एक सीधी एक उल्टी सिलाई में। अब जो सीधी सिलाई आएगी इसमें फंदे घटेंगे। तो ये देखिएगा, इस सिलाई को ध्यान से देखिए। पहले फंदे को हमने स्लिप कर लिया, ये जो फंदा हमने सीधा बुना था इसे हमें फिर से सीधा बुन लेना है। अब देखिए, एक ये फंदा जो रॉन्ग साइड की सिलाई में लपेटा था और ये जो जाली से बनाया हुआ फंदा था और एक ये फंदा बिना बुना उतारा था, जो इन तीनों फंदों को एक साथ लेना है और तीन फंदे का एक बना देना है। फिर से एक फंदा हम इस तरह से सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे को इस तरह से, सॉरी, इन तीन फंदों का एक बना देना है। सिंगल फंदे को सिंगल बुनेंगे, इन तीन फंदे का एक कर लेना है इस तरह से। फिर से एक फंदा इस तरह से बुनेंगे और इन तीन फंदे का एक फंदा कर देना है। तो जितने फंदे थे हमारे उतने ही रह जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई बना लेनी है। तो ये तीसरी सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं रॉन्ग साइड की 4th सिलाई में। इस सिलाई से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। ये पूरी सिलाई हमें उल्टा उल्टा बना लेनी है।
अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसको हमें साइड में बनाते हुए चलना है। अब इस सिलाई में जो पांचवी सिलाई है, इसमें हम फंदों का एक फंदे का फेर बदल करेंगे। तो ये देखिएगा, पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे जिस तरह से पहली सिलाई में किया था। अब यहाँ पर देखिएगा, इस फंदे को हमने सीधा इस तरह से बुन लिया था, लेकिन इस बार हमें धागा अपनी साइड लाना है। इस फंदे को बिना बुने स्लिप करना है और जो ये फंदा हमने पहली सिलाई में स्लिप किया था, इस फंदे को बुन लेना है। बस इतना ही अंतर करना है। अब ये देखिएगा, इसी तरह से डिज़ाइन चलेगा। धागा अपनी साइड लाएंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, जिसमें ये डिज़ाइन दिखेगा थोड़ा उभरा हुआ, उस फंदे को आपको उतार लेना है और अगले फंदे को इस तरह से बुन लेना है। फिर से धागा अपनी साइड लाएंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई को बुनते जाना है। ये देखिएगा, इस तरह से धागा अपनी साइड लाते हुए इस फंदे को स्लिप किया और एक फंदा बुन लिया। धागा अपनी साइड, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बुन लिया। धागा अपनी साइड लाएंगे, इस फंदे को देखिए स्लिप करेंगे और ये लास्ट वाले फंदे को बुन लेंगे। इस तरह से रॉन्ग साइड की सिलाई को जिस तरह से हमने दूसरी सिलाई बनाई थी उस तरह से बनाना है। पहले फंदे को आप उतार लीजिएगा और इन दोनों फंदों को इस तरह से स्लिप करना है। फिर इस धागे को इस तरह से लपेट लेना है। अब यहाँ पर देखिए, एक फंदा बुनेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ स्लिप करेंगे, एक बार धागा लपेटेंगे और इस तरह से एक फंदा बुन लेंगे। फिर से उसी तरह से करना है, एक फंदा, दोनों फंदे स्लिप करेंगे, एक बार धागा लपेटेंगे, दोनों एक फंदा बुन लेंगे। दो फंदे स्लिप करेंगे, एक बार धागा लपेटेंगे, एक फंदे को नॉर्मल उल्टा बुन लेना है। फिर से इसी तरह से रिपीट करते हुए इस डिज़ाइन को हमें बना लेना है। ये देखिएगा, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, ये जिस तरह से हम फंदे बनाने के लिए सिलाई देते हैं और इस तरह से फंदा लपेट लेंगे और बिना बुने स्लिप कर लेंगे, लास्ट वाले फंदे को इस तरह से बुन लेंगे। आप सेवन रो देखिए, सेवन रो थ्री रो की तरह बनेगी। ये देखिएगा, इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे का हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, और ये जो सिंगल फंदा है इसे सिंगल बुनेंगे। तीन फंदे का एक फंदा, जो लपेटे हुए दो फंदे हैं उन्हें हमें तीन का एक कर लेना है और सिंगल वाले फंदे को सिंगल बुन लेना है इस तरह से। तो इस सिलाई में हमें इसी तरह से करना है। ये फंदा उतर गया है, इस तरह से तीन का एक कर लेना है, एक फंदा सिंगल बुनेंगे, तीन फंदे का एक फंदा, इस फंदे को सिंगल बुन लेना है, तीन का एक, एक फंदा सिंगल, लास्ट में देखिएगा इस तरह से बना लेंगे। अब रॉन्ग साइड की जो सिलाई है वो पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो पहले फंदे को स्लिप किया और ये सभी फंदे, ये हमारी एर्थ रो है और इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर अब जो नाइन रो बनेगी उसमें हम फर्स्ट रो को रिपीट करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि पहली सिलाई हमने किस तरह से बुनी थी। देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी साइड लाते हुए तब हम इस फंदे को इस तरह से स्लिप करते हुए और इस फंदे को बुनना स्टार्ट करेंगे। फिर ये देखिएगा, इन्हीं तीन फंदों को हमें रिपीट करना है। धागा अपनी साइड लाना है, एक फंदा इस तरह से स्लिप करना है और इस फंदे को सीधा बना लेना है। इसी तरह से हमने पहली सिलाई को बनाना बताया हुआ है आपको। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से चलेगा और यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से जिग-जैग भी चलेगा डिज़ाइन। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप किसी स्वेटर में छोटी बुट्टी वाला डिज़ाइन डालना चाहते हैं, जैसे जेंट्स स्वेटर या लेडीज कोटी में, तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, थोड़ा सा बनाकर देखिएगा, इसके बाद में ही समझ आएगा। ये देखिएगा इस तरह से। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।